सब्सक्राइब करें हैश खान यूनिक रेसिपीज़ को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आटा को और चावल को लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। अक्सर बारिश के दिनों में इनमें कीड़े लग जाते हैं, चावल में भी कीड़े लगते हैं और आटे में भी कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो इन्हें हमें बारिश से कैसे बचाना है ताकि इनमें कीड़े ना लगे। सबसे पहले तो आटे को जब स्टोर करें तो डब्बे को अच्छे से धोकर सुखा लें और अच्छे से साफ़ करके पोंछ कर ही इसमें आटा स्टोर करें। तो आटा स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 3 तेज़पत्ते से आटा कभी ख़राब नहीं होता, बारिश में इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और तो हम इसे 3 तेज़पत्ता डालकर इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। इसे हम ढक्कन लगा देते हैं, इसका ढक्कन भी बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए इसमें, ताकि बाहर की हवा ना जाए, इस तरीके से इसे लॉक कर दें। तो ये हमारा आटा स्टोर हो चुका है। अब चावल को देख लेते हैं हमें कैसे स्टोर करना है। चावलों को लोग गांव में अक्सर इसमें इनमें दवाइयां डालते हैं जो सेफ़ नहीं होता है बिल्कुल भी हमारे खाने के लिए, तो इसमें हम दवाइयां नहीं डालेंगे। बहुत से लोग इसमें नीम की पत्ती भी डालते हैं लेकिन वह सूखने के बाद उसमें चूरा चूरा हो जाता है, तो हम नीम की पत्ती इसमें नहीं डालेंगे। इसमें हम ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे चावल में खुशबू आए और ये लंबे समय तक टिके रहे, इनमें कीड़े भी ना लगें। बहुत से लोग इसमें माचिस की तीली भी डालते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैं गरम मसाला डालूँगी, 1 टुकड़ा दालचीनी है, लौंग, इलायची और काली मिर्च है। इन सब का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसमें बहुत ही स्ट्रांग खुशबू होती है जिसकी वजह से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और जब भी आप चावल बनाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है, इससे कीड़े बिल्कुल नहीं लगते। इसे मैं जब भी चावल स्टोर करती हूँ तो इनमें ये मसाले डालती हूँ और बहुत ही चावल लंबे समय तक चलते हैं, इनमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो इसे भी हम ढक्कन लगाकर इसे भी एयर टाइट कंटेनर को लॉक कर लेंगे। ये देखिए हमारा चावल और आटा स्टोर हो चुका है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये टिप्स आपको कैसी लगी।